तो लगातार सवाल खड़े हो रखे हैं कुश्ती संघ की कार्यशैली पर। जयंत चौधरी ने ट्वीट कर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि कुश्ती संघ के कार्यशैली और अध्यक्ष के विरुद्ध संगीन आरोप हैं। खिलाड़ी जोखिम लेकर सामने आए और खुलकर बात कर रही हैं कैसे उनका शोषण हो रखा है। कई बार ऐसा हुआ है जब बीजेपी के नेता पर आरोप लगते हैं तो सरकारी दबाव डाल मामला रफा दफा कर दिया जाता है, लेकिन युवा इस बार नहीं होने देंगे। ये ट्वीट किया गया है जयंत चौधरी की तरफ से। लेकिन इसके बाद आपको बता दें कि प्रियंका गांधी की तरफ से भी ट्वीट किया गया, वो भी हम आपको दिखाते हैं क्योंकि लगातार सवाल खड़े अब हो रहे हैं। प्रियंका गांधी ने भी कुश्ती संघ की कार्यशैली पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने लिखा है कि हमारे खिलाड़ी देश की शान है, विश्व स्तर पर अपने प्रदर्शन से वे देश का मान बढ़ाते हैं। कुश्ती फेडरेशन और उसके अध्यक्ष पर खिलाड़ियों ने शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। इन खिलाड़ियों की आवाज सुनी जानी चाहिए, आरोपों की जांच कर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रियंका गांधी कांग्रेस नेता, इनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया है। अब जिस तरीके से धरना प्रदर्शन भी जा रही है जंतर मंतर पर, अब तमाम नेताओं की तरफ से भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये ट्वीट आपके सामने जो प्रियंका गांधी ने किया है। और हम सबके बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, यौन उत्पीड़न के आरोप पर ब्रजभूषण शरण की सफाई सामने आई है। उन्होंने कहा, एक सप्ताह तक मैं इनके लिए अच्छा था, हमारे कामकाज की तारीफ होती थी। ओलंपिक के बाद इन खिलाड़ियों ने प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लिया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता के नाम पर इनकी तबियत खराब होती है, इंटरनेशनल प्रतियोगिता के लिए तबियत ठीक हो जाती है, सभी सरकारी योजनाओं का फायदा उठा रही हैं। तो ये कहा गया है ब्रजभूषण की तरफ से, जिन पर तमाम आरोप इस वक्त लग रही है, उनकी सफाई उन्होंने ये सामने रखी है। और सफाई में उनकी तरफ से ये कहा गया, इंटरनेशनल प्रतियोगिता के लिए तबियत ठीक हो जाती है इन खिलाड़ियों की जो अभी जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। एक सप्ताह तक हम इनके लिए अच्छे थे, अभी एक सप्ताह पहले ही यह यहाँ पर आए थे और हमारे कामकाज की तारीफ करते थे, लेकिन ओलंपिक के बाद इन्होंने एक भी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। ये जितने वहाँ पर बैठे थे सब ने भाग नहीं लिया और सब गवर्नमेंट के टॉप स्कीम का फायदा उठा रहे हैं। और जब राष्ट्रीय प्रतियोगिता की बात आती है, राष्ट्रीय ट्रायल की बात आती है, तो इनकी तबीयत खराब हो जाती है, और जब इंटरनेशनल कोई टूर्नामेंट होता है इनकी तबीयत ठीक हो जाती है। तो ब्रजभूषण ने अपनी सफाई पेश की है जिन पर तमाम आरोप लग रहे हैं। और अब खबर सामने आ रही है प्रयागराज से, समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से जुड़ी यह बड़ी खबर है। आजम खान की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है। रामपुर के डिस्ट्रिक्ट जज और यूपी सरकार से जवाब मांगा गया है। जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिनों का वक्त दिया गया है। केस ट्रांसफर को लेकर आजम खान ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। रामपुर कोर्ट में चल रहे मुकदमों के ट्रांसफर को लेकर ये याचिका थी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है। आजम खान को लेकर ये खबर सामने आ रही है। जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिनों का समय यहां पर दिया गया है। केस ट्रांसफर को लेकर आजम खान ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन इस पूरे मामले में अब 10 दिनों का समय दिया गया है। प्रयागराज से ये बड़ी खबर है। सपा नेता आजम खान से जुड़ी ये खबर आपको बता रही है। तो रामपुर कोर्ट में चल रहे मुकदमों के ट्रांसफर करने के लिए याचिका यहां पर दाखिल की गई थी। रामपुर के डिस्ट्रिक्ट जज और यूपी सरकार से इसके लिए जवाब मांगा गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।